अकबर जब तीन ब्याह यहाँ किए हैं तो इनका लड़कावा भी करेगा नहीं करेगा, बाप का जैसा चरित्र होता है वैसा बेटा भी करता है। नशा पे इसने प्रतिबंध लगा दिया था और खुद अभागा नशा एक नंबर का नशीड़ी आदमी था। तब रहता है ना तो आदमी जो है पत्नी को पहचानता नहीं है, दही के ज्यादा उल्टा पलटा बोलेगी तो थुरा जाएगी। तो ज्यादातर जो महिलाएं होती है या पत्नियां होती हैं वो पियक्कड़ पति को पसंद नहीं करती हैं। तो जहांगीर को लाइन मारने लगी और उसको अजुरा ली जाए मेहरून निशा थी। ई क्या की कि नवरोज के त्योहार में खूब अपना लपकौआ झपकौआ जो था वो खूब पहन वहीन के अपना रंगाई पुताई करके और नवरोज के त्योहार में गई जहांगीर के सामने। तो जहांगीर एकदम टुकुर टुकुर देखने लगा इसको। नवरोज के त्योहार में देखे हो, अभी आधे मेकअप किए थे, जब यह शादी होगा वो दिन देखना। तो जब शादी हुआ कब हुआ था 1611 ईस्वी में, तो शादी के दिन इतना सजी थी, इतना सजी थी कि इसको एक और उपाधि दे दिया नूरे जहां। क्या कह दिया? नूरे जहां, मतलब सारे विश्व की सुंदरियों में से गिनती किया जाएगा तो आप विश्व सुंदरी हैं। आई एक नंबर के हरामी थी, याद रखिएगा नूरे जहां जो थी एक नंबर की हरामी थी। नूर जहां थी या जहांगीर से कही एक काम जानते नहीं है, शाहजहां का और मुमताज का चक्कर चल रहा है, दोनों का ब्याह करा दीजिए। तो 1612 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां की शादी हो गई मुमताज से, आई 21 साल पहले शादी किया था कौन? मेहरून निशा से। कौन? नूरे जहां से जहांगीर। देख रहे हो बाप के शादी 1611 में, बेटा की शादी 1612 में, तो का नौटंकी सब किया है भगवान जाने यार। याद रखिएगा अकबर का जो बेटा था कौन? जहांगीर। इसने विद्रोह किया था अकबर से। तो जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, ये विद्रोह कर दिया किससे? जहांगीर से। इनहू का बेटा होगा औरंगजेब, इनको दवाई करेगा बढ़िया से, ठीक है। यही मुमताज है ना जिनके याद में ताजमहल बना है, वही ताजमहल के बगल में इनका बेटा औरंगजेब इनको जेल में धकिया देता, वही मौका में ताकते रहिए मुमताज को। एक तो थी अनारकली प्रियसी, इसकी क्या थी? प्रेमिका। इसके अलावा एक ये अनारकली से प्रेम करता था। अनारकली जो थी मतलब जब मर गई तो उसको लाहौर में मतलब एक बनवाया मकबरा, और उसने कहा जहांगीर ने कि अगर मुझे अनारकली का वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा फिर से देखने को मिल जाए तो मैं कयामत तक खुदा का क्या करूंगा? शुक्रिया अदा करूंगा। इतना इससे ज्यादा प्यार करता था। इन सब में से सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था? अनारकली से। देख रहे चार ठो, तीन गो बिया एक ठो ही प्रेमिका, सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता था? अनारकली से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज दोस्तों फिर लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मुगल वंश। और उस मुगल वंश में इसके पहले के वीडियो में हमने अकबर के विषय में पूरा डिटेल से 3-4 वीडियो में पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को वहां पे अच्छे से समझा दिया था। आज का जो टॉपिक है वो अकबर का जो बेटा था जिसका नाम सलीम या जहांगीर कहा जाता है, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो लास्ट में आप मतलब आपको लगेगा कि हाँ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों शुरुआत करते हैं सलीम के बारे में। आज हम लोग जिनके बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जहांगीर के विषय में, ठीक। इसका जन्म जो हुआ था वो 30 अगस्त, याद रखिएगा 30 अगस्त 1559 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था? तो ये 1559 ईस्वी में 30 अगस्त को फतेहपुर सीकरी यानी जहां पर जोधा का महल बना हुआ है, बुलंद दरवाजा है, वहीं फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, कुटिया थी, उसी कुटिया में अकबर के द्वारा इनका जन्म होता है। किनका? जहांगीर का। तो अकबर के भी कई ठो मेहरारू थी सब, अकबर की कई मेहरारू थी। अब देखो तीन ठो तो यही है, एक रुकैया बेगम, जोधा बाई और सलीमा बेगम। तो देखो रुकैया बेगम के बच्चों का तो कोई डिटेल नहीं इतिहास में बहुत ज्यादा मिलता है। जोधा बाई जो भारमल की पुत्री थी उन्हीं के द्वारा जहांगीर पैदा होते हैं
और सलीमा बेगम कौन थी, बैरम खां की पत्नी थी। और जब बैरम खां मतलब मर जाते हैं तो उनकी पत्नी से अकबर शादी कर लेता है, सांकेतिक निगाह करता है, और इनके द्वारा जो बच्चा पैदा होता है सलीमा बेगम के द्वारा, जिनका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है, वह जहांगीर के क्या बनते हैं, गुरु बनते हैं। ठीक है, तो अकबर के किस पत्नी के द्वारा जहांगीर का जन्म होता है, तो जोधाबाई के द्वारा जन्म होता है, यानी जोधाबाई से इनका जन्म होता है जहांगीर का। कहां होता है बाबू, तो 30 अगस्त 1559 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में होता है। ठीक है, किस जगह होता है, तो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी, या एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय से, तो उन्हीं की कुटिया में होता है। इसी नाते इसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही अकबर ने इनका नाम क्या रख दिया था, सलीम रख दिया था। और बचपन में अकबर इनको शेखू बाबा कह के बुलाता था, क्या कह के, शेखू बाबा। शेखू बाबा नहीं होता है, घर का नाम कुछ और हो जाता है, स्कूल वाला नाम कुछ और हो जाता है ना। तो किनके द्वारा, अकबर पिता का नाम अकबर, माता का नाम जोधाबाई। अगर ऑप्शन में जोधाबाई ना रहे तो मरियम उज्जमानी भी कहीं कहीं दे देता है, या एक उर्दू में एक मतलब पदवी है मरियम उज्जमानी, तो अगर जोधाबाई नहीं दिया तो ऑप्शन में मरियम उज्जमानी है, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, जोधाबाई और मरियम उज्जमानी दोनों लोगों का एक ही नाम है। ठीक, इनके जो शिक्षक थे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे। और अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे, तो अब्दुल रहीम जो खाने खाना थे वो बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, जो विधवा होने के बाद अकबर ने उनसे शादी कर लिया था, तो वो बैरम खां के पुत्र थे, जिनको अपने पुत्र के समान अकबर क्या करते थे, सम्मान देते थे, और अकबर अपने नवरत्नों में भी अब्दुल रहीम खाने खाना को शामिल किए थे। तो इनका जो शिक्षक था यानी जो मुख्य गुरु थे वो खाने खाना थे। ठीक, ये एक छोटा सा क्या था, सामान्य परिचय था। अब देखो कहानी शुरू होती है विवाह और प्रेमिका से। ठीक, दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं उन सब युद्ध का कारण महिलाएं हुई हैं, पिटाए बेचारे पुरुष हैं। ठीक, जितने भी युद्ध देख लीजिए। तो अकबर जब 3 ब्याह यहाँ किए हैं तो इनका लड़का भी करेगा नहीं करेगा, बाप का जैसा चरित्र होता है वैसा बेटा भी करता है। ठीक है, तो इधर 3 ब्याह अकबर किए थे, तो अकबर का लड़का जहांगीर, अब इनकी कहानी सुनिए। पहली जो शादी हुई थी आमेर के राजा, आमेर के जो राजा थे भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। कौन, मानबाई। मानबाई के साथ इनका शादी हुआ और मानबाई से ही इनका एक पुत्र जन्म हुआ था जहांगीर का, जिसका नाम खुसरो था, और यह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जिस प्रकार से जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, ऐसे ही इनका पुत्र खुसरो जो था वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो मानबाई से इसका शादी हुआ, जिसको जहांगीर ने उपाधि दिया था शाह बेगम का। कौन सा, शाह बेगम का। ठीक, अब इसकी कहानी समझो। मानबाई से जब शादी हुआ तो जो जहांगीर था, कहा जाता है कि मानबाई जो थी या जहांगीर के शराब पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से आत्महत्या कर ली थी, और खुद जहांगीर ने शराब पीने पे बैन लगाया था। देखिए, नशा पे इसने प्रतिबंध लगा दिया था, और खुद अभागा नशा एक नंबर का नशीड़ी आदमी था, दिन भर पी के इधर उधर ढिमलाया रहता था, इतना बड़ा नशेड़ी चर्सी आदमी था जहांगीर। अपने मतलब राज्य में नशा पे प्रतिबंध लगाया था, चूंकि राजा था भाई, पिएगा तो इसके खिलाफ बोलेगा कौन, भाई अकबर का दिया हुआ इतना बड़ा साम्राज्य इसके पास था, अपने नशा में रहता था। अच्छा, नशा में रहता है ना तो आदमी जो है पत्नी को पहचानता नहीं है, दही के ज्यादा उल्टा पलटा बोलेगी तो थुरा जाएगी। तो ज्यादातर जो महिलाएं होती है या पत्नियां होती हैं वो पियक्कड़ पति को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि जब पी लेता है तभी उसका मतलब अंदर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो मर्दानगी जागता है, तभी वो शेर की तरह बिहेव करता है। नहीं तो बेचारा अगर 30 दिन में 2 दिन शराब पी रहा है तो समझो 2 दिन का वो शेर रहता है, बाकी 28 दिन जो है वो बिलार जैसा भीगी बिल्ली की तरह रहता है पत्नी के सामने। तो बेचारी इसकी पत्नी परेशान हो गई दारू पीने के वजह से, और इसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया मानबाई ने। ठीक, फिर एक शादी करता है राजा उदय सिंह की पुत्री
जिसको जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है। किसको? जगत गोसाई या जोधा बाई भीम को कहा जाता है। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि ये जोधा बाई जहांगीर की पत्नी नहीं, जहांगीर की माता थी। कौन? जोधा बाई, मरियम उजमानी जिसको कहा जाता है। जगत गोसाई का एक नाम और है जोधा बाई, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो एक शादी इधर कर लिया। अच्छा, इसके बाद इसके जीवन में एक और औरत आई, मेहरुन्निसा। अब देखो इसकी कहानी सुनो। मेहरुन्निसा का शादी हुआ 1611 ईस्वी में। अब ये शादी कैसे हुआ? तो मेहरुन्निसा जो थी यह एक आया थी। आया मतलब जो मतलब राज दरबार में जाके सेवा हुआ करे। तो ये जो मेहरुन्निसा थी यह आई थी सलीमा बेगम की देखभाल करने के लिए। क्या करने के लिए? देखभाल करने के लिए, ठीक। अभी पहले राजा महाराजा जो होते थे उनकी पत्नियों को देखभाल के लिए मतलब नौकरानी के तरीके से रखा जाता था। तो सलीमा बेगम की यानी अकबर की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, उनकी सेवा के लिए जहांगीर द्वारा मतलब नियुक्त किया गया किसको? मेहरुन्निसा को, कि सेवा हुआ करेगी। अभी सेवा हुआ कर रही थी उसी समय। अच्छा, ये पहले मेहरुन्निसा को समझ लो, यह एक विधवा थी। क्या थी? एक खुद विधवा थी और दूसरी विधवा को ये क्या करने जा रही थी? सेवा करने जा रही थी। यानी खुद एक विधवा थी और जो सलीमा बेगम थी एक तो पहले से विधवा थी, जो मतलब बैरम खां जब मर गए तो विधवा हो गई, फिर अकबर से शादी हुआ अकबर भी मर गए तो डबल विधवा थी, आइए प्रथम विधवा थी। तो प्रथम विधवा को भेजा गया डबल विधवा के यहाँ क्या करने के लिए? देखभाल करने के लिए। अभी देखभाल कर रही थी और धीरे धीरे लाइन मार रही थी किसको? जहांगीर को। तो जहांगीर को लाइन मारने लगी और उसको अजुरा ली जहांगीर को, है ना। अभी आगे कहानी समझो। इसके पति का नाम था शेर अफगन या कभी कभी दे देता है अली कुली बेग, दोनों नाम जान लीजिएगा। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि शेर अफगन को जहांगीर ने मार दिया था क्योंकि इसकी पत्नी जो थी पसंद आ गई थी, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत बात है। इसकी जो विधवा पत्नी थी ये आई थी सलीमा बेगम की देखभाल के लिए। तो उसी में एक, यह ईरान की थी, तो ईरान में एक परंपरा है नौरोज का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो मेहरुन्निसा थी ये क्या की कि नौरोज के त्योहार में खूब अपना लपकौआ झपकौआ जो था वो खूब पहन ओहन के अपना रंगाई पुताई करके नवरोज के त्योहार में गई जहांगीर के सामने। तो जहांगीर एकदम टुकुर टुकुर देखने लगा इसको और देख रहा था। इसी समय इसको एक उपाधि दिया था नूरे महल। क्या दिया था? नूरे महल, मतलब कहा कि इस महल में सबसे बड़की सुंदर कौन हो? तुम ही हो, इसलिए तुमको उपाधि देते हैं नूरे महल का। अभी बेचारी खुश हो गई। फिर जहांगीर जो था इसने इसको ऑफर किया, बुलाया एक दिन का, इधर आओ तुम तो बहुत पसंद आ गई हो हमको, तो एक काम करो कि मुझसे शादी करोगी। तो पहले दो चार बार नखरा की भैया कौन नहीं शादी करना चाहेगा भाई, अकबर का दिया हुआ इतना बड़ा साम्राज्य जो पाकिस्तान अफगानिस्तान काबुल बलूचिस्तान इधर बंगाल बिहार उड़ीसा दक्षिण भारत सब इतना बड़ा राज्य का मालिक ऑफर कर रहा है नौकरानी को, तो नौकरानी ठुकराएगी? नहीं ठुकराएगी। दो चार बार इधर उधर नौटंकी की उसके बाद जो कही अच्छा ठीक है अभी तो नवरोज के त्योहार में देखे हो, अभी आधे मेकअप किए थे, जब यह शादी होगा वो दिन देखना। तो जब शादी हुआ कब हुआ था? 1611 ईस्वी में। तो शादी के दिन इतना सजी थी कि इसको एक और उपाधि दे दिया नूरे जहां। क्या कह दिया? नूरे जहां, मतलब सारे विश्व की सुंदरियों में से गिनती किया जाएगा तो आप विश्व सुंदरी हैं। आई एक नंबर के हरामी थी, याद रखिएगा, नूरे जहां जो थी एक नंबर की हरामी थी। ठीक, कैसे हरामी थी? जैसे जिस प्रकार से अकबर के समय में महाअनगा का शासन चलता था ना, जो पेटीकोट प्रथा या फिर हरम दल का शासन कहा जाता था, अकबर का चली नहीं पाता था, ऐसे ही जहांगीर के समय में इसका वर्चस्व बढ़ने लगा। वर्चस्व इतना बढ़ गया कि जहां जहां राजा जहांगीर साइन करते थे ना बगलियम हम भी साइन करेंगे, तो इसका भी साइन चलता था। और ये उस समय जो है बहुत अपने मतलब उत्थान पे थी। इसके बाद ही जो मतलब जहांगीर थे इसका लड़का था खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां, इसके भी नाम के आगे जहां लगाया। तो ये जो खुर्रम था ये इसकी माता से नहीं पढ़ता था, ठीक,
पिता से भी नहीं बहुत ज्यादा पढ़ता था। तो ये इसने क्या किया कि जो नूरजहां थी इसकी एक भतीजी थी, भतीजी जानते हैं, भतीजी का मतलब इसकी एक भतीजी थी, तो इससे भतीजियस कही मुमताज से, उसका नाम मुमताज था, कि तू इसको महल लाई किसको, खुर्रम को, शाहजहां को। तो इसकी जो भतीजी थी नूरजहां की, ये कही अपनी भतीजिया से कि तू अब खुर्रम को मारी, राजकुमार अगला राजा ही बनेगा, मिलजुल के खाएंगे पिएंगे आराम से, है ना। तो ये लाइन मारने लगी। बस ये जो मतलब नूरजहां थी, ये जहांगीर से कही एक काम, ये जानते नहीं है शाहजहां का और मुमताज का चक्कर चल रहा है, दोनों का ब्याह करा दीजिए। तो 1612 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां की शादी हो गई मुमताज से। आई 21 साल पहले शादी किया था कौन, महरून निशा से, कौन, नूरजहां से, जहांगीर। देख रहे हो, बाप का शादी 1611 में, बेटा की शादी 1612 में, ये सब का नौटंकी सब किया है, भगवान जाने यार, है ना। इसके बाद यही जो लड़का था इसका खुर्रम, ये पढ़ता नहीं था। अच्छा पटा क्यों नहीं, ये भी एक रीजन था, नूरजहां थी इसकी शक्ति बढ़ते जा रही थी, आई जो चचऊ थे ये बूढ़ हो रहे थे, तो ये जो थी मुमताज जो थी, मतलब दो महिलाओं में कभी पटरी नहीं हो सकता है, वो भी एक के महल में रह रही हूं, तो अगला राजकुमारी तो यही बनने वाली है। अब इसका वर्चस्व ज्यादा बढ़ रहा था, तो ये अपने पति को मतलब विद्रोह करने पर उतारू कर दी। तो खुर्रम या शाहजहां ने विद्रोह कर दिया, लाहौर में विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, और 1627 ईस्वी में क्या कर दिया, जहांगीर को और नूरजहां को, दोनों लोगों को जेल में क्या करा दिया, बंद करा दिया, कौन, उसका बेटा शाहजहां। याद रखिएगा, अकबर का जो बेटा था कौन, जहांगीर, इसने विद्रोह किया था अकबर से, तो जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, ये विद्रोह कर दिया किससे, जहांगीर से। इनहू का बेटा होगा औरंगजेब, इनको दवाई करेगा बढ़िया से, ठीक है। यही मुमताज है ना, जिनके याद में ताजमहल बना है, वही ताजमहल के बगल में इनका बेटा औरंगजेब इनको जेल में धकिया देता, वही मौका में ताकते रहिए मुमताज को, है ना। तो जहांगीर को और नूरजहां को जेल में क्या करा दिया, बंद करा दिया। अब बंद हो गई तो यहां भी अपना ही अपना हुस्न का जलवा दिखा दिए, जेलरवे से अजुड़ा गई, जेलरवा को हंसी होती, दुई चार बार हंसी बेचारा छोड़ दिया। तो ये और ये दोनों जो है क्या हो गए, छूट गए थे। पूछा जहांगीर, पूछा कैसे छोड़ दिया, जीत कही जैसे आपको फंसाए थे वैसे उसको भी फंसा दिए थे, है ना। तो ये छोड़ दी, छोड़ने के बाद वहीं पे जहांगीर लाहौर में ही क्या हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, और उसकी मकबरा वकबरा उधर ही बन जाता है। तो ये कहानी इधर हो गया, थोड़ा सा और समझते हैं। यह नशेड़ी आदमी नशा पे क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा चीज, जुआ खेलने पे क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा इसके बारे में समझिए, नशा पे प्रतिबंध लगाया था, लेकिन एक ये सहिष्णु आदमी था, सहिष्णु, सहिष्णु मतलब सभी धर्मों का सम्मान करता था, ठीक है, रक्षाबंधन भी बनवाता था। तो नशा पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसने कहा कि अगर हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, जैसे होली आता है, तो एक आध दिन पी लीजिए, कोनो बात नहीं है। जुआ पे प्रतिबंध लगाया था, 365 दिन में कोनो जुआ हुआ खेलता पकड़ा गया तो उसको बढ़िया मार मारता था, न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था, आगे अभी बता रहे हैं, बढ़िया मार मारता था। लेकिन हमारे धर्मों में एक दीपावली एक ऐसा त्योहार होता है, उस दिन लोग खूब जुआ हुआ जम के खेलते हैं, तो जुआ एक दिन खेलने के लिए दीपावली को छूट दे दिया। तो इन दोनों बातों से ये पता लगता है कि जहांगीर एक सहिष्णु आदमी था, जो मतलब सभी धर्मों के लिए सम्मान रखता था, है ना। अच्छा इसने क्या किया था कि रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया था, का कोनो पशु का हत्या नहीं कर सकता है। रविवार को अकबर का जन्म हुआ था इसलिए, और बृहस्पतिवार को ये क्या बना था, राजगद्दी पाया था, तो ये दो दिन पशु हत्या पे रोक लगा दिया था। लेकिन अगर रविवार को और बृहस्पतिवार को ही अगर मान लीजिए कि ईद पड़ गया, बकरीद पड़ गया, ईद में तो नहीं करता, बकरीद में करता है, पड़ गया तब क्या होगा, तब छूट दिया था कि भाई अगर रविवार को और बृहस्पतिवार को तब काट सकते हो, बाकी अन्य दिन जो है रविवार और बृहस्पतिवार को नहीं कर सकते हो, ठीक। अच्छा एक खुसरो का विद्रोह इसके समय हुआ था, जब ये सब ब्याह हुआ हो रहा था ना दुनिया भर का, तो खुसरो को पसंद नहीं आया, ये भी जहांगीर का लड़का था, किनके द्वारा पैदा हुआ था, तो ये पैदा हुआ था इनके द्वारा का मानबाई का लड़का था,
मान भाई भी क्या थी, जो दारू पीने की वजह से मर गई थी, तो खुसरो को बहुत बुरा लगा था, तो विद्रोह कर दिया था। और खुसरो का साथ दो लोगों ने दिया था, एक गुप्त रूप से दिया था, कौन, मान सिंह ने, गोपनीय तरीके से, ये भी अकबर के नवरत्नों में थे। और एक सिखों के पांचवें गुरु, याद रखिएगा, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने खुला रूप से इस मतलब खुसरो का मतलब साथ दिया था। तो गुरु अर्जुन देव जो पांचवें सिख गुरु थे, इनको फांसी पर लटकावा दिया, कौन, जहांगीर ने। और मान सिंह का क्या कर दिया, मनसफ जो था ये खत्म कर दिया, छीन लिया गया। ठीक, तो मनसफ जो है छीन लिया गया। तो ये खुसरो का विद्रोह था। इसके अलावा जो जहांगीर जाना जाता है वो न्याय के लिए जाना जाता है। किसके लिए, न्याय के लिए जाना जाता है। यह अपने समय में आगरा में एक सोने का जंजीर बनवाया था, मतलब ऐसे आगरा में जो यमुना नदी है उसमें जंजीर बनवाया था, और अपने महल में ऐसा जंजीर लटकवाया था, 24 घंटियां थी उसमें, मतलब कौनो आके घंटी हिला देता था 24 का मतलब 24 घंटा में किसी को कोई दिक्कत रहता था, सोने की जंजीर हिलाई और न्याय उसी समय उसको मिल जाता था। तो देखता था कि इन 24 घंटा हम सूती नहीं पाएंगे, बदवाम 12 जंजीर हटा दिया, यानी 12 जंजीर रहने लगा। इसके समय में कौनो चोरी चिकारी करता था तो उसका नाक कटवा देता था, कान कटवा देता था, इस प्रकार का सजा देता था। तो न्याय व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके बाद यह चित्रकला का बहुत अनुभवी आदमी था, बहुत पारखी आदमी था चित्रकला के। जहांगीर जो था चित्रकला का इतना प्रेमी था, इतना दिलचस्पी इसके अंदर थी कि यह कहता था कि कोई चित्र बनवाइए और जितने चित्रकारों को मैं जानता हूं एक चित्र में 10 लोगों से बनवाइए, कोनो का आंख बनवा दीजिए, कोनो भौंहा बनवा दीजिए, कोनो चित्रकार से ओठ बनवा दीजिए, मैं चित्र देख के ये बता दूंगा कि इसमें कितने लोगों ने एक ही चित्र में काम किया और कौन कौन सा भौहा किस चित्रकार ने बनाया है, ओठ किसने बनाया, दांत किसने बनाया, नाक किसने बनाया, मैं बता दूंगा। यानी चित्र कला का इतना पारखी था कि यह चित्र देखकर बता देता था कि यह इसका चित्रकार कौन है। ठीक है, तो यह चित्रकला का भी बहुत बड़ा प्रेमी था। अच्छा, लास्ट में समझो, इस सब तो ब्याह किया था, एक तो इधर किया था मानबाई से, जगत गोसाई से, मेहरून निशा यानी नूर है जहां, ये सब मतलब वो लीगल वाली थी। एक तो थी अनारकली प्रियसी, इसकी क्या थी, प्रेमिका। इसके अलावा एक ये अनारकली से प्रेम करता था। अनारकली जो थी मतलब जब मर गई तो उसको लाहौर में मतलब एक बनवाया मकबरा, और उसने कहा जहांगीर ने कि अगर मुझे अनारकली का वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा फिर से देखने को मिल जाए तो मैं कयामत तक खुदा का क्या करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। इतना इससे ज्यादा प्यार करता था। इन सब में से सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था, अनारकली से। देख रहे, चार ठो, तीन को बिया, एक ठो ही प्रेमिका, सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता था, अनारकली से। ठीक है, अकबर के समय में जो बना ना मूवी वूवी, तो ये कहानी अनारकली। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जहांगीर का साम्राज्य विस्तार क्या था, किनसे किनसे युद्ध लड़ा, किनसे किनसे मतलब राज्य का अपना बढ़ाया, और किस प्रकार से इसका शासन प्रशासन राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था थी, इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।